स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग जल्दी से नरेशन यानी ये रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को देखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस आवर सडन फीलिंग्स। ओह, इट्स वेरी हॉट, आउच, आई एम हर्ट, दीज आर द सेंटेंसेस। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन चेंज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए, अगर से या विल से या फिर से टू विल से टू कुछ भी रहे तो इसे आप एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, सरप्राइज, फियर, सोरो, दीज आर फीलिंग्स, इन फीलिंग्स के साथ लिखना है। ओके, वी रिमूव इनवर्टेड कॉमा यूजिंग दैट, दैट से इनवर्टेड कॉमा हटाना है। और एक्सक्लामेटरी वर्ड अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लेकर जाना है। अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं, व्हाट अ बिग हाउस, यहां पे एक्सक्लामेटरी साइन होगा, व्हाट अ बिग हाउस, व्हाट अ बिग हाउस। तो ऐसे में बिग हाउस, हाउस के प्रोनाउन को निकालना है पहले, तो इट से शुरू करेंगे, इट इज अ, और व्हाट के बदले आ जाएगा वेरी बिग हाउस, इट इज अ वेरी बिग हाउस, ऐसे बनाना है। या फिर सेंटेंसेस अगर हो, हाउ क्रूएल यू आर, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, तो आपको यू जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देना है। यहां पर मैं आपको यू को यू ही करके बता रहा हूं, जैसे हाउ क्रूएल यू आर, यू आर और हाउ की जगह आ जाएगा वेरी क्रूएल। नाउ चेंज ऑफ पर्सन, जैसा कि आप जानते हो चेंज ऑफ पर्सन में सब्जेक्ट और स्पीकर, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट और स्पीकर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन में चेंजेस करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट या लिसनर के हिसाब से, और अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड क्लाउज में तो नो चेंज होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लेट अस सी। तो पहला एग्जांपल है, ही सेज हुर्रा आई हैव वन द मैच, बहुत खुशी है भाई, वो कह रहा है कि मैंने मैच जीत लिया है। तो कैसे बनाएंगे इसको, ही एक्सक्लेम्स विद हैप्पीनेस, खुशी झलक रही है यहां पर, तो ही एक्सक्लेम्स विद हैप्पीनेस दैट ही हैज वन द मैच, और बन गया, कन्वर्ट हो गया ये इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट, रवि, ये कन्वर्सेशनल मोड में है, रवि कह रहा है ओह इट इज वेरी हॉट, अरे भैया बेचैनी है, रवि कह रहा है बहुत गर्मी है भाई। तो कन्वर्सेशनल मोड को हम किस प्रकार से बनाएंगे, रवि एक्सक्लेम्स विद रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस दैट इट इज वेरी हॉट, ये भी बन गया भाई। नाउ वन मोर एग्जांपल, दे से व्हाट अ बिग हाउस, बहुत आश्चर्य हो रहा है यहां पर, तो क्या कहेंगे, दे एक्सक्लेम्स विद सरप्राइज दैट इट इज अ वेरी बिग हाउस। तो इस तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें, सेंटेंस को कन्वर्ट करते रहें, मस्त रहें, बुलंद रहें। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।